हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रेल किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेज मटर लॉलीपॉप की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लेवर से भरी हुई है। इसके पहले आपने मटर की बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, बट आपने मटर के लॉलीपॉप नहीं खाए होंगे। ये इतने टेस्ट और इतने मजेदार है कि आपका पेट भर जाएगा बट आपका मन नहीं भरेगा। बनाना शुरू करते हैं, बट बनाने से पहले हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। यहाँ पे मेरे पास भिगोया हुआ एक कप पोहा है। इसे मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो के छलनी में रखा था। आप देख सकते हैं अभी ये हल्के नरम पड़ गए हैं। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी के लिए मोटा या पतला कोई भी क्वालिटी का पोहा ले सकते हैं। इसी में हम आधा कप उबले हुए मटर डालेंगे। इस मटर को मैंने नमक और खाने के सोडे के साथ उबाला था, जिससे कि इसका जो हरा कलर है वो बरकरार रहे। यहाँ पे मेरे पास 3 उबले हुए और मैश किए हुए आलू है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। 1/4 कप भुना हुआ मूंगफली का दरदरा पाउडर, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही में हम फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच आमचूर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच नींबू का जूस। नींबू और आमचूर की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा सा खटास आएगा। नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया डालकर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। इसमें मैंने मूंगफली का पाउडर इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस देगा। नॉर्मली मैंने किया ये है कि मूंगफली को हल्का सा पैन में रोस्ट किया है और उसके बाद उसे मिक्सी में दरदरा पीस कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कैशू नट या फिर आलमंड पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे। इससे ये बाइंडिंग का भी काम करेगा और साथ ही में क्रिस्पीनेस भी देगा। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो तीखापन जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा जो मिक्सर है अब वो बनकर रेडी है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने छोटा सा बाउल लिया है, इसी में हम 3 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे, साथ ही में 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और चुटकी भर नमक डालकर इसे हम मिला देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सेमी थिक ऐसा इसका लिक्विड बना लेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई गुटली ना रहे। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे गैस पे मैंने तेल को गरम करने रखा है और जब तक तेल हमारा गरम हो रहा है, हम लॉलीपॉप के लिए बॉल बनाकर रेडी कर लेते हैं। हाथों में हल्का सा तेल लगाकर हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा मिक्सर लेकर इस तरह का हम बॉल बना लेंगे। आप इस बॉल की साइज थोड़ी छोटी या फिर थोड़ी बड़ी रख सकते हैं। यहाँ पर लॉलीपॉप के बॉल्स बनकर रेडी है और हमारा बैटर भी रेडी है। तो एक एक करके इन बॉल को हम बैटर में डालकर इस तरह से डिप करेंगे और इसे हम बैटर में अच्छे से कोट करेंगे। मेक श्योर कि पूरे बॉल पर इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। चलिए तेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम इन बॉल को तेल में छोड़ते जाएंगे और इसे हम मध्यम आंच पर अच्छे से फ्राई करेंगे। इन्हें हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने मिक्सर में जो सारी चीज़ें डाली है वो ऑलरेडी पकी हुई है। जब भी कोई आप किसी भी तरह का लॉलीपॉप या फिर भजिया या पकोड़े बनाते हैं, तो इस तरह का जो स्लरी होता है, यानी कि जो बैटर होता है, वो हल्का सा एक्स्ट्रा रहता ही है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे, ये बैटर अपने आप अलग होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे लॉलीपॉप के बॉल्स को एक अच्छा सा कलर आ गया, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे जो लॉलीपॉप के बॉल्स हैं, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है तो अंदर से पूरे फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो इसे हम लॉलीपॉप का शेप देने के लिए इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट करेंगे। तो इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो ये दिखेंगे क्यूट और खाने में भी आसानी होगी। इस लॉलीपॉप का जो मज़ा है वो शेजवान चटनी के बिना अधूरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेजवान चटनी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आपके साथ शेयर की है, तो इसकी जो रेसिपी है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप भी इस बहुत ही टेस्टी यमी वेज मटर लॉलीपॉप की रेसिपी को ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी।
तो देखा ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने ये मटर के लॉलीपॉप बनाए। दिखने में तो क्यूट है और जैसे कि मैंने कहा कि पूरे फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने शेजवान चटनी भी आपको बताई जो कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।